लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मानसून नहीं, प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ कराएगा बारिश। अब इतनी देरी से राजस्थान पहुंचेंगे मानसूनी बादल। जयपुर, दिल्ली एनसीआर समेत पूर्वोत्तर राज्यों में आसमान में छाया धूल का गुबार मुसीबत बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मौसम वैज्ञानिकों की माने तो हवा में घुली धूल से बन रहे कम वायुदाब क्षेत्र के असर से अगले 48 घंटे में प्रदेश के पूर्वोत्तर इलाकों समेत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में मॉनसून हो सकता है लेट। पिछले माह के अंत में दक्षिण भारत पहुंचे मानसून की रफ्तार भी अब धीमी हो गई है। धीमी रफ्तार को देखते हुए कहा जा रहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी इलाके में बारिश में देरी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 16 से 17 जून तक पश्चिम विक्षोभ असर दिखाएगा और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं मानसून इस महीने के अंत तक पहुंचने की उम्मीद है। बीते 24 घंटे में राजधानी सहित प्रदेश के कई इलाकों में तेज रफ्तार से चल रही पश्चिमी हवा और अंधड़ के कारण दिन और रात के तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि पिलानी, कोटा और चूरू में अधिकतम तापमान 40 डिग्री व उससे ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन फिर भी लू का असर पूरे प्रदेश भर में सुस्त पड़ गया है। राजधानी में आज सुबह करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली धूलभरी पश्चिमी हवा से गर्मी के तेवर नर्म बने रहे। सूर्योदय के बाद खिली धूप की तपेश भी कम महसूस हुई। जोधपुर, भोपालगढ़ कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पिछले 5 दिन से धूलभरी हवाओं के चलने से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। हालांकि इन धूलभरी हवाओं के कारण गर्मी से ग्रामीणों को मामूली राहत मिली है, लेकिन चक्रवाती हवाएं धूल व अम्लज लेकर आ रही है, वह लोगों को परेशान कर रही है। दरअसल पश्चिमी राजस्थान से उठे धूल के गुबार के कारण पूरे प्रदेश के साथ भोपालगढ़ क्षेत्र में भी धूल भरी हवाएं चल रही है और आसमान में धूल का गुबार छाया हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि ये हवाएं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जिनकी वजह से गांवों में लोगों के मकान रेत से भर गए हैं और महिलाओं को दिन भर घरों में रेत बुहारने में ही गुजारना पड़ रहा है। धूल भरी हवाओं के कारण आसमान हल्का पीला सा नजर का आ रहा है। धूल लेकर आ रही चक्रवाती हवाओं से प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है और श्वान व दमे के मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लगातार चल रही आंधी की वजह से गांवों में विद्युत तंत्र भी गड़बड़ा गया है और रह रहकर हो रही विद्युत कटौती से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागौर, पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज हवाओं के साथ चल रही धूलभरी आंधी से आम जनजीवन प्रभावित रहा। जिला मुख्यालय समेत आसपास के ग्रामीण अंचल में भी शुक्रवार को चारों ओर धूल के ही गुबार उड़ते नजर आ रहे थे। धूल भरी आंधी से पैदल राहगीरों के अलावा दुपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। गृहिणियों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। दिन में 3 से 4 बार सफाई करने के बावजूद घर में धूल की परतें जमी रहीं। बाधित रही विद्युत आपूर्ति। जानकारी के अनुसार आंधी से कई स्थानों पर बिजली के तार टूटने से बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो गई। शहर समेत आसपास के इलाकों में पिछले 3 दिन से बिजली की अघोषित कटौती से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। अंधड़ से कस्बे के बाजारों में भी दिन भर सन्नाटा पसरा रहा।